नमस्कार। कोरोना अभी भी हमारे देश में कहर बरपा रहा है। वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव तरीका है इसकी ट्रांसमिशन साइकिल को रोकने का, लेकिन देश में अभी भी लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। हम इस वीडियो में उन भ्रांतियों को एक एक करके एड्रेस करेंगे। अगर हम सारे सवालों को देखें तो उनको एक तीन मोटे मोटे ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक, कौन वैक्सीन लगवाए और ना लगवाए, कौन सी लगवाए, कब लगवाए, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, कोविड होना और वैक्सीनेशन, उनका आपस में क्या रिश्ता है। और तीसरा, क्या विदेशी वैक्सीन के लिए इंतजार करना बेटर है। तो जल्दी जल्दी तीनों सवालों को एड्रेस करते हैं। पहला, कौन वैक्सीन लगवाए और कौन ना लगवाए। तो इसमें हम कौन ना लगवाए को पहले एड्रेस करते हैं। आज 15 मई को भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वो महिलाएं जो अपने शिशुओं को दूध पिला रही हैं यानी लैक्टेटिंग मदर्स, इन तीन ग्रुप्स को अभी वैक्सीन लगाने की एडवाइस नहीं है। इनको छोड़कर सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये तो हुआ कौन ना लगवाए। अब कौन लगवाए, हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि सर हमको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, सीओपीडी है, ट्यूबरक्लोसिस है, हमारा पहले कोई लंग का, ब्रेन का, नेक का, पेट का, गाइनी का, ऑर्थोपेडिक्स का, शरीर में कहीं भी कोई ऑपरेशन हो चुका है, या हमें लिवर की, लंग की, किडनी की, जोड़ों की, गठिया की वगैरह 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 कोई बीमारी है, पास्ट में कैंसर हो चुका है, ऑपरेशन हो चुका है, कीमोथेरेपी मिल चुकी है, हम स्टीरॉइड्स पे हैं, हमें तरह तरह की और बीमारियां हैं वगैरह वगैरह वगैरह, मिर्गी का दौरा पड़ता है, बहुत लंबी लिस्ट है बीमारियों की जो लोगों को होती है। तो इन सारी लंबी लिस्ट का एक आंसर है कि आप सब लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। और एक्चुअली वैक्सीन का फायदा बाकी लोगों के मुकाबले आपको ज्यादा होगा, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कोविड की उन कोमॉर्बिडिटीज में आती हैं जिनके होने पर कोविड होने का खतरा और कोविड से मृत्यु होने का खतरा ज्यादा होता है। तो ये लोग अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो उनको तो फायदा बाकी जनसंख्या से ज्यादा होगा। बहुत अक्सर सवाल पूछा जाता है कि स्टेंट पड़ा हुआ है हार्ट में, हम ब्लड थिनर्स पे हैं, क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। पुनः आंसर है कि यस, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। केवल एक कैटेगरी है जो एंटी कोएगुलेंट्स होते हैं जिनके हार्ट वेल्व वगैरह होते हैं, और वो दूसरी तरह की एंटी कोएगुलेंट्स। ब्लड थिनर्स एक अलग चीज है, एंटी कोएगुलेंट्स अलग चीज है। एंटी कोएगुलेंट्स वाले लोग ना लगवाएं, उनको उसकी डोज मॉडिफाई करनी होती है। और एक बीमारी है हीमोफीलिया, वो लोग भी डॉक्टर की सलाह लें, उनको अपनी डोज वगैरह एडजस्ट करनी होती है। इनको छोड़ के बाकी सब लोग लगवा सकते हैं। हाँ, अगर आपको करेंटली कोविड है या कोई भी दूसरा एक्टिव फिब्राइल इलनेस है तो उस समय इन्फेक्शन ये वैक्सीन ना लगवाएं, आपको कम से कम एक महीने का इंतजार करके उसके बाद लगवाना चाहिए। तो पुनः मैं रिपीट करूंगा कि कोई भी बीमारियां हो आप वैक्सीन अवश्य लगाएं। अगर आपको एलर्जी की हिस्ट्री है तो कृपया इस हिस्ट्री को आप डॉक्टर के साथ जहां आप जा रहे हैं शेयर करें। यह वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हाँ, थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, अपने डॉक्टर के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो प्रिकॉशन ले सके। तो ये तो हमारे सवाल जवाब थे, कौन लगवाए कौन न लगवाए। दूसरा बिंदु आता है कोविड इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। मुझे पास्ट में कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, मैं वैक्सीन लगवाऊं या न लगवाऊं। देखिए, कोविड इन्फेक्शन होने से बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं और वो अभी एविडेंस के हिसाब से कम 3 से 6 महीने तक रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक के बॉडी में बने, समुचित मात्रा में बने और वो कितने समय तक लास्ट करें इसके बारे में अभी भी फाइनल आंसर नहीं है। तो आज के अनुसार जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपको कोविड हुआ है तब भी आपको लगवाना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जो पहली डोज है वो आपके लिए बूस्टर साबित होगी और दूसरी डोज आपको सेकेंड बूस्टर साबित होगी। तो ये आपको फायदा ही करेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। हाँ, आपको जैसा मैंने पहले कहा कि कोविड इन्फेक्शन के बाद
कम से कम एक महीना या 6 हफ्ते वेट करें। कुछ लोग कहते हैं कि 3 महीने तक भी हम वेट कर सकते हैं। CDC 3 महीने का वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो शायद हमें 3 महीने तक प्रोटेक्शन देती हैं। तो आप 1 महीने से 3 महीने के बीच में कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाएं अवश्य। अब इसी का दूसरा बिंदु है कि आपने पहली डोज लगवाई और उसके बाद आपको कोरोना हो गया, तो फिर आपको, जब आपको कोरोना हुआ है उसके बाद 4 से 6 हफ्ते का वेट करना है। कोवैक्सीन में आज की तारीख में हम 4 से 6 हफ्ते का गैप कह रहे हैं पहली और दूसरी वैक्सीन के बीच में, तो हो सकता है उसका वजह से आपकी दूसरी डोज थोड़ी सी डिले हो जाए। कोई बात नहीं, उसको लगवाना अवश्य है। दूसरी डोज किसी भी कीमत पर मिस ना करें। कोविशील्ड के लिए आज की तरह करंट गाइडलाइंस हैं कि 12 से 16 हफ्ते के बीच में लगनी चाहिए, तो उस बीच में अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा, आप उसके बाद लगवा लें। दूसरी डोज के बाद भी कोविड हो सकता है, क्योंकि पूरा प्रोटेक्शन दूसरी डोज के 2 हफ्ते के बाद आता है, और वो भी 100% नहीं होता, हमें 70 से 80% प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी लोगों को फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। आपके मन में ये सवाल उठेगा कि अगर उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है तो फिर वैक्सीन लगवाने का क्या फ़ायदा है? तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि वैक्सीन आपको कोविड इन्फेक्शन होने से 100% प्रोटेक्शन नहीं देती, वो 70-80% देती हैं, लेकिन सीरियस डिजीज, वेंटिलेटर पे जाने और मृत्यु से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देती हैं। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अभी रिसेंट पास में कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, पत्रकार लोगों की वैक्सीनेशन के बाद भी मृत्यु हुई है। हाँ, ये सच है कि कुछ लोगों की वैक्सीन के बाद भी हुई है, लेकिन फिर भी अगर हम लास्ट ईयर इन ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ डेथ्स हुई थी उससे कंपेयर करें तो उनका नंबर बहुत ही स्मॉल है। तो कुल मिला के मैसेज ये है कि वैक्सीन लगवाना आपको मृत्यु, वेंटिलेटर जाने, सीरियस डिजीज होने से बहुत 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 हद तक प्रोटेक्शन देता है, इसलिए वैक्सीन अवश्य लगवाएं। लेकिन दूसरी वैक्सीन की डोज के 2 हफ्ते बाद ही अपने को वैक्सीनेटेड समझें, और वैक्सीनेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड संयम यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को गो बाय कर देंगे। मास्क लगाए रहना, जो आज की तारीख में इतने लेवल ऑफ इन्फेक्शन पे हम N95 या डबल मास्क कह रहे हैं, जिसमें अंदर वाला सर्जिकल मास्क होना चाहिए प्रॉपरली फिटिंग, और बाहर कपड़े का मास्क होना चाहिए, तो ये मास्किंग अवश्य करें। जब भी घर से बाहर निकलें दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड मान के कम 2 मीटर की दूरी अवश्य रखें। और तीसरा बहुत अहम बिंदु है कि बंद जगहों पर, कमरों में, खासकर से जो एयर कंडीशन कमरे वगैरह हैं, वहां पर अगर आप ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उसमें संक्रमण का चांस सबसे ज्यादा होता है, ऐसा अवॉइड करें। और चौथा, हैंड हाइजीन। ये चारों कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन लगने के बाद भी 100% जरूरी है। और कृपया अपने दिमाग में ये बात डाल लें कि 2021 में यह चीज हमारे देश में है और रहेगी, और इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से हम इस साल निजात नहीं पा सकते। कुछ लोगों के मन में अभी CDC की गाइडलाइंस आई हैं कि जिनको USA में दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं वो मास्क को उतार सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को गो बाय। तो कृपया इन गाइडलाइंस से आप भ्रमित ना हो, उनकी स्थिति अलग है, हमारे देश की स्थिति अलग है। हमारे देश के लिए क्लियर कट मैसेज है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर हालत में करना है। अब तीसरा और आखिरी बिंदु है कि क्या हमें विदेशी वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी एफिकेसी तो 94-95% है, हमारी वैक्सीन की एफिकेसी 70-80% है। तो एज ए डॉक्टर मैं आपसे ये कहूँगा कि आज की तारीख में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और चंद दिनों में स्पुटनिक 5 भी अवेलेबल होने वाली है। ये तीनों में से जो भी वैक्सीन आपको आपके शहर में मिलती है, कृपया शीघ्रातिशीघ्र उसको लगवाएं। हाँ, ये ध्यान जरूर रखें कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं तो ध्यान रखें कि वहाँ भी भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन सेंटर आपको इन्फेक्शन दे दे, ये ध्यान अवश्य रखें। बट कृपया
विदेशी वैक्सीन का इंतजार करके आज अवेलेबल वैक्सीन को न यूज करना, यह अपने आप में समझदारी नहीं है। कृपया ऐसा ना करें। अंत में मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वैक्सीनेशन कोविड की ट्रांसमिशन साइकिल को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। दो वैक्सीन्स अभी देश की और स्पुटनिक 5 जो बाहर से आई है, ये तीनों अवेलेबल हैं, तीनों अच्छी हैं, तीनों इफेक्टिव हैं। आपके शहर में जो अवेलेबल हो शीघ्रातिशीघ्र इसको लें। इससे जुड़ी हुई किसी भी भ्रांति पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरों पर विश्वास न करके इस वीडियो में दी गई साइंटिफिक जानकारी को मानते हुए कृपया वैक्सीन लगवाएं और देश में कोरोना की संक्रमण की साइकिल को रोकने में मदद करें। धन्यवाद।